रायपुर से खबर है जहां शिक्षक दिवस पर होगा शिक्षकों का सम्मान। आज सुबह 11 बजे राजभवन में राज्यपाल तमाम शिक्षकों का सम्मान करेंगे और शिक्षक सम्मान समारोह में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। महान साहित्यकारों के नाम पर 3 शिक्षकों को स्मृति पुरस्कार, 52 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे राज्यपाल। तो ये खास समारोह रायपुर में आयोजित होगा क्योंकि आज शिक्षक दिवस है और शिक्षकों का सम्मान होगा। राजभवन में राज्यपाल 52 शिक्षकों का सम्मान करेंगे। गौरव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जी गौरव, क्या कुछ खास है इस कार्यक्रम में और कौन कौन से चयनित शिक्षक हैं आज के इस खास कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले? जी बिल्कुल, देखिए आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन में है वहाँ विशेष आयोजन जो है किया गया है, जहाँ तमाम राज्य के चयनित शिक्षकों को बुलाया जाएगा और वहाँ पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। 3 जो ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें महा जो सम्मानित है, विशेष सम्मान जो है उन्हें दिया जाएगा। इसके अलावा 52 अलग अलग शिक्षकों को, अलग अलग जिले के शिक्षकों को वहाँ पर बुला के जो सम्मान का कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है शामिल होने वाले हैं। तमाम जो कार्यक्रम है वो 12 बजे से इसकी शुरुआत जो है होने वाली, इसे लेकर सारी तैयारियां जो है राजभवन में कर ली गई है। आपको बता दूं कि शिक्षक दिवस के अवसर पर जो शिक्षकों ने विशिष्ट जो काम है वो किए हैं, चाहे बस्तर क्षेत्र के शिक्षकों की हम बात करें, चाहे बीजापुर के शिक्षकों की बात करें, जहां ऐसे क्षेत्रों में जाकर वहां के बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, जिन शिक्षकों ने अभी तक छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, ऐसे तमाम शिक्षकों का जो सम्मान है आज राजभवन में किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम देखते भी हैं जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, खासतौर से आदिवासी अंचल, वहाँ पर शिक्षा बच्चों को देना ये एक बहुत बड़ा टास्क रहता है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि 30-30, 40-40, 50 किलोमीटर दूर से शिक्षकों को आना पड़ता है, उसके बाद बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं ये शिक्षक तो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार, चाहे हम सरकार की बात करें चाहे आम लोगों की बात करें, इस क्षेत्र के विकास को लेकर लगातार जो चर्चाएं हैं और होती रहती हैं, तो इसमें जो विशेष भूमिका है वो कहीं ना कहीं शिक्षकों की है। क्योंकि जब शिक्षक वहां जाते हैं, वहां के बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, वहां पर जो नैतिक जिम्मेदारी हो, चाहे राज्य की स्थिति हो, चाहे तमाम भौगोलिक राज्य की स्थिति से जानकारी जो है वहां के बच्चों को पहुंचती है, तो वहां के बच्चे शिक्षित होते हैं, तो वहां का जो असर है वो उस क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये बधाई के और जो सम्मान के जो पात्र हैं ये शिक्षक हैं। सही कहा आपने। और एक मौजूदा सरकार का हम वो भी देख रहे हैं पक्ष गौरव, कि मुख्यमंत्री बहुत सजग हैं शिक्षा को लेकर, चाहे वो उनके बयानों में भी दिखाई देता है और जिस प्रकार से फीडबैक भी लेते रहते हैं शिक्षा प्रणाली को लेकर, ये कहीं ना कहीं उनकी सजगता को भी दर्शाता है। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के पास जो शिक्षा विभाग है वो अभी उनके पास है, लगातार शिक्षा के क्षेत्र को लेकर उनके जिस तरह से काम देखा जा रहा है, हम हाल फिलहाल की बात करें तो आदिवासी क्षेत्रों में जो बच्चे हैं उनके लिए जो बिना ईएमआई, बिना जो किस्त या बिना ब्याज के जो शिक्षा प्रदान लोन देने की बात जो आई थी वो सामने आई थी। नक्सली क्षेत्र में जो बच्चे पीड़ित हैं, जिन पर नक्सली चलते पीड़ित है, उन बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने तमाम सरकार के ऊपर ली थी। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र को लेकर जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वे खुद आदिवासी नेता रहे हैं, तो उनको वहां की स्थिति का जो जमीनी हकीकत है वो उन्हें पता है, तो वो जान रहे हैं कि वहां पर शिक्षा का जाना कितना आवश्यक है, तो उसी लिए वो भरपूर प्रयास जो है वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि बस्तर के क्षेत्र में अब AI और कंप्यूटर जैसी जो पढ़ाई है वो वहां पर कराई जा रही है, तो कहीं ना कहीं बड़े कदम जो है यहां मुख्यमंत्री उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, ये खास कार्यक्रम होगा, ये भी हम देखेंगे, क्योंकि आज शिक्षकों का ही दिन है और उन्हीं का सम्मान समारोह आज आयोजित होने वाला है। और क्या कुछ खास रहेगा गौरव, अगर इस हम कार्यक्रम की ओवरऑल बात करते हैं तो मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, राज्यपाल मौजूद रहेंगे और साय कैबिनेट के और भी सदस्य शामिल होंगे आज के कार्यक्रम में?
कई मंत्रियों का जो कार्यक्रम है वो वहां पर रहने वाले हैं। आपको बता दूं कि उसके लिए जो विशेष व्यवस्था है वो राजभवन में की गई है, शिक्षकों को वहां पर बुलाकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा उनके स्थिति का जो जायजा है वो भी लिया जाएगा। ओपी चौधरी की बात करें, हम वहां पर मौजूद रहेंगे, कई जो मंत्री हैं वहां पर मौजूद रहेंगे, उनसे भी चर्चा करते हुए जो नजर है वे आएंगे, क्योंकि शिक्षकों का सम्मान कहीं ना कहीं आम लोगों तक जाता है, जो उनके विद्यार्थी हैं उन तक जाता है, जो विद्यार्थी एक शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं एक उल्लास होता है कि शिक्षकों का इस तरह से सम्मान करें और इस तरह से उन्हें आगे बढ़ावा दिया जाए ताकि वे अपने क्षेत्र में वापस आकर फिर से उसी तरह से काम करें, ज्यादा अच्छे से बच्चों को जो शिक्षा है वो प्रदान करें, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम जो है ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। गौरव, बने रहिएगा हमारे साथ, एक बार फिर से आपका रुख